बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बाबुल सगीर कब्रिस्तान से मुतल्लिक बताएंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके इल्म में मजीद इजाफा हो सके। दोस्तों, ये बाबुल सगीर कब्रिस्तान बनी उमैया के करीब वाकया है और इसमें कई नामवर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा और मुत्तकी पेशवाओं की कब्रें हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ दफन हैं। ये इस इलम पर मबनी है जो गुजर चुका है और इसकी आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गयी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा जो की हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमातुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। बिलाल बिन रबहा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिन हैं। माविया रजी अल्लाह ताला की कब्र भी यहीं पर है। फिदा रजी अल्लाह ताला की कब्र भी यहीं पर है जो के फातिमातुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला की लोंडी हैं। अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो के हजरत जाफर त्यार रजी अल्लाह ताला की बीवी हैं। कमीद बिन असवद अल कंदी जो के हजरत अली रजी अल्लाह ताला के करीबी साथी हैं। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला का मकबरा भी यहीं पर है जो के हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला के शोहर हैं और हजरत हलीमा रजी अल्लाह तालाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियाँ उम्मे सलमा और रमला बिनते अबी सफियान उर्फ उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला की कब्रें भी यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ये इंतहाई मशकूक है कि इन कब्रों में इन्हीं को मदफून किया गया है। मुमकिना तौर पर इस इलाके में जियारत की हौसला अफजाई के लिए ढांचे बनाए गए हों। उलमा किराम की अक्सरियत का ख्याल है कि इन्हें मदीना में जन्नतुल बकी में दफन किया गया है। इनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर बीवियां उम्महातुल मोमिनीन के साथ मदफून हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदम वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलें।